अनिश्चितकालीन आमरण अनशन धरने पर बैठे दलित मजदूर किसान, मांग है रोटी कपड़ा व मकान, ऐसा ही प्रकरण देखने को मिला यूपी के जिला बाराबंकी तहसील व विकास खंड सिरौली गौसपुर ग्राम पंचायत तारापुर गुमान, जहां पर गरीब दलित मजदूर किसान अपनी समस्या की मांग रोटी कपड़ा व मकान को लेकर के बैठे हैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन धरने पर। जिले न्यूज के लिए बाराबंकी से विजय सिंह की रिपोर्ट। प्रधान जी आपके क्या नाम? मनमोहन सिंह। क्या आप ग्राम पंचायत तारापुर गुमान के आप प्रधान हैं? हम प्रधान हैं, प्रधान पत्नी रहेंगे। जो तारापुर गुमान के जो दलित मजदूर किसान अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, वो प्रधान और सेक्रेटरी जो हैं उनके सचिव के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार में कि हमको अंत्योदय कार्ड नहीं मिल रहा है, हमें जो है पट्टा नहीं मिल रहा है, जमीन भूमिहीन हैं और हमको इसमें नहीं दिलाया जा रहा है, शासन द्वारा प्रधान इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं कर रहे हैं और इस सभी लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इस पर आपको क्या कहना है? ये जो तारापुर गुमान में जो है अनशन बैठे, हमको न ब्लॉक से कोई सूचना है न तहसील से कोई सूचना है, हमको आज जानकारी हुई कि लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके 6 महीने पहले भी इन्हीं लोगों ने अनशन किया था। ये पेशेवर अनशनकारी हैं, रुपये लेकर अनशन बैठते हैं। पूर्व प्रधान नरेंद्र नीलम कुमारी के पत्र नरेंद्र रावत रामचल जयशंकर जो है एक ग्राम पंचायत तारापुर गुमान में आवास पेंशन और पट्टे के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे, उसको मैंने रुकवा दिया है और इसकी जांच कराई जाए। हमने इस गांव के कुछ लोगों ने इसका प्रार्थना पत्र भी दिया था कि लोग गांव में अवैध वसूली कर रहे हैं। रामचल का कोटा हाई कोर्ट और शासन से इनका लाइसेंस निरस्त हो गया है, उसमें बौखलाए घूम रहे हैं। नरेंद्र रावत जो है गांव में अवैध वसूली करते हैं और जो अनशनकारी बैठे हुए हैं इनको लगभग सबको इंदिरा आवास मिला हुआ है, कोई नहीं बनाया हुआ है और इनके पास ज़मीन थी, ज़मीन सब लोगों ने बेच लिया है, ज़मीन भी बेच लिया है। इनके सबके पास राशन कार्ड हैं, गांव में विकास हो रहा है, जितना विकास ग्राम पंचायत तारापुर गुमान में हुआ है इतना शायद सिरौली गौसपुर ब्लॉक में नहीं हुआ होगा। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत का विकास हो, लेकिन ये लोग विकास कार्य नहीं करने देते हैं। गांव में जितने भी प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं सब फर्जी दिए जाते हैं। जो भी प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसमें नरेंद्र रावत जयशंकर का मोबाइल नंबर होता है, उन्हीं आदमी बल्ब बनकर उस अधिकारी से बात करते हैं और फ़ोन पर धमकी देते हैं। सेक्रेटरी जो है ग्राम पंचायत में बराबर आते हैं, विकास कार्य देखते हैं, सेक्रेटरी को फ़ोन पर ही धमकी देते हैं। उसका रिकॉर्डिंग वीडियो सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान के पास मौजूद है, इसकी भी जांच कराई जाए। और ये अनशनकारी खाना के दोनों टाइम खाकर तक बैठते हैं, इनका डॉक्टरी प्रशिक्षण कराया जाए और यहाँ पुलिस बल तैनात किया जाए, ये लोग घर को नहीं जाने पाए। अगर नरेंद्र रावत राम अचल जयशंकर पवन के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ये अनशन तुरंत समाप्त हो जाएगा।